सोच नहीं सकते सर जी, मैं चार दिन मैं तो मेरे नाल दा रोटी नहीं खाधी, गंदे पानी दे विचों पानी पीता है। उस कोई नहीं समझ सकता फीलिंग, असी साडे नाल बीती, असी समझ मारिया कुटिया फिर वापस छोड़ दिता। सो मेरे नाल मोहम्मद जी जिहड़े पाकिस्तान तो हैगे ने सबसक्राइबर मेरे नाल जुड़ चुके नाल मेरे खड़े है, तुसीं देख सकते हो, बट आप ज़्यादा फेस नहीं दिखाना चाहते इन्हों का। सो इन्हों रूबरू हुणे आप ये की कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, तुसीं आ माइक फड़ लो जी, तो जो भी तुसीं कहना चाहते हो मेरे सबसक्राइबर नूं, तुहाडे नाल की बीती रस्ते दे विच, तुसीं जो भी कहना चाहते हो तुहाडे नाल, जो तुहाडे दिल हड बीती है, ठीक है, मेरे सबसक्राइबर नूं दसो। कि बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं सर्बिया दवाई आ जा, या मैनू पुलिस फड़ लेगी तो मेरे नाल पुलिस किदां बिहेव करेगी, या मैनू तरक्की तो नहीं सिट देंगे, या मैनू डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे, की मतलब फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स, वो जरूर दसो जी। बिल्कुल सर जी, मैं सब तो पहले तो तुहाडा शुक्रिया अदा करा, क्योंकि मैं पाकिस्तान तो निकलन तो पहले तुहाडे चैनल नूं सबसक्राइब किया, मैं काफ़ी तुहाडा वीडियो देखता सा, मैनू बड़ी इनफॉर्मेशन मिलती सी, बट तुसी काफ़ी टाइम ही कहिंदे सो कि डेंकी नहीं लाओ नहीं लाओ, क्योंकि फायदेमंद नहीं है, नुकसान है, क्योंकि तुहाडे अक्सर मैं वीडियो देखता होना सर, जान एक ही होंगी है, लेकिन जेडे हालात चो असी आए हैं ना, असी अपनी जान हथेली रख के आए हैं, बहुत मुश्किल वक्त सी, लेकिन हालात ही जिंदगी कुछ ऐसे आ जाते हैं कि बंदे नू अपनी जान ते खेलना पैंदा, रिस्क लेना पैंदा। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की सर्बिया टू ग्रीस आन दी, पाकिस्तान तो सर्बिया टू ग्रीस आन दी, उत्थे बहुत मुश्किल सानू फेस करनिया पईआं, सर्बिया तो मैकडोनिया, मैकडोनिया तो को असी सेफली निकल आए, मुश्किल तो फिर होंगी है जो निकले हो, फिर हर चीज़ फेस करनी पैंती है, मैकडोनिया तक आए औखे सौखे, लेकिन जो असी मैकडोनिया तो ग्रीस च इंटर करना तो सलोनिकी बॉर्डर ते आए, उत्थे ग्रीस पुलिस ने फौज ने उन्होंने साडे नाल बहुत माड़ा किया, बहुत बुरा किया, असी उन्हें साडे सामने साडे पिछे कुत्ते छड्ड दिते, इंसान तो उन्हें समझे ही नहीं कि साडे वर्गे इंसान ने, चलो ठीक है मजबूरियां लैके आउंदियां ने इंसान नूं, लेकिन उन्हें साडे नाल इंसान वाली कीती नहीं, उन्हें साडे पिछे लाइटां मारनियां सानूं, उन्हें ने बड़ी कोशिश कीती, इत्थे तक डराया इंग्लिश बोल के रुक जाओ नहीं तो फायरिंग कर देंगे, बट जान तो फिर सारी सारन प्यारी होंदी, जदों असी अपनी हिम्मत हार गए, फिर असी स्टॉप हो गए, खड़े हो गए, रुक गए, उन्हें सानूं फड़ लिया, कुछ लड़कियां नूं उन्हें मारिया भी, उन्होंने सानूं फिर उतों दो एक दो दिन जेल च रख के उन्हें सानू वापस तुर्की सुट दिता। दुख सानू बड़ा लगा कि यार इन्नी मेहनत करके इन्नी कोशिश आई हैं, तकलीफा बर्दाश्त करके असं आए हैं, तो हूँ सानू उन्हें दोबारा तुर्की सुट दिता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, आख्या कि यार जो असं आए हैं इतने तक आ गए तो अगे भी हम जाना है, जो घरों निकल आए हैं तो हूँ हर चीज़ नू फेस करना पैना है, फिर सर जी की हर चीज़ सानू उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराया, तुर्की की नहर उन्हें क्रॉस कराई है, उधर सुटिया, उस तो बाद सानू नहीं पता साडे नाल कौन है कौन नहीं, अपनी दो तीन चार दिन तो बंदे ने खाना नहीं खादा, तो सर जी तुसी आप सोच सकते हो की हालात होंगे, बाकी बहुत मुश्किल टाइम वेखिया, हिम्मत नहीं आ रही, उतो फिर एक दो भाई इंडिया के मिल गए, फिर पाकिस्तान के मिल गए, असं पांच छह जने यानी कि हो गए, असी फिर कोशिश की यार असं घर सारे निकले हाँ, मजबूर हाँ हालात के मारे हाँ, सो पिछे नहीं जाना अगे ही देखना है, मुश्किल तो आदि ने जिंदगी मुकाबला किया, दो तीन बार ट्राई की बट फिर भी नहीं पहुँच सके, फिर भी असी मतलब नहर क्रॉस करने की कोशिश की, फिर सानू ग्रीक पुलिस ने मारिया कुटिया, फिर वापस छोड़ दिता, साडे मोबाइल तक उन्हें पिछे सलो नहीं की खोले, सो तोड़ दी, तो साडे सामने सर जी उन्हें मोबाइल साडे तोड़ दी, तो ना साडा घर वाले नाल राबता, ना साडा किते राबता, अपने नीला समान तो थले असी अपने आप नाल आप ही अपने फ्यूचर वास्ते अपने बिल्कुल पिछो जगह जमीना मझा वेच के सर जी जो आना तो फिर कैसे जाइए, नहीं हौसला नहीं पैंदा, बाकी पूरी पूरी फैमिली नूं वेखना हुंदा, अपनी इंसान एक हुण मैं कुर्बानी देवांगा तो मेरी पूरी फैमिली पलेगी, सो इस वजह तो बड़िया चीजा फेस करन नूं मिलदा, मैं यही रिक्वेस्ट करांगा कदी भी डेंकी वाला रस्ता इख्तियार ना करो, तुहानूं लगदा कि असीं मजाक करने आ लेकिन सानूं पता असीं अपनी जाना तो खेल के इतने तक पहुंचे हैं, साडे वास्ते बहुत मुश्किल हुंदा है, असी जिन्ना मर्जी भी कह लिए ना साडे फीलिंग्स नूं कुछ समझ नहीं सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि साडे नाल बीतियां ने जिन्नी तक किसी ने बीतदी नहीं नहीं समझ सकता, सो तुहाडे वास्ते यही मशवरा है, चलो इन्ना शुक्र है जी रब का परमात्मा का अल्लाह का इन्ना शुक्र है कि बंदा सही सलामत पहुंच गया, ठीक है जी, तो बहुत जो ये कि चलो थानू वीडियो राही आप हरेक बंद यही आप सलाह दें कि तुम भी अपने जो यह रस्ता अगर अपना रहे हो
तो सही तरीके आओ। ठीक है जी, तू बहुत बार समझाया टूरिस्ट वीजा भी तुम बड़े ईजली लै सकते हो। ऑन अराइवल आप वैसे इंडियनज़ अगर आप गल करिए ऑन अराइवल मिल जाता वाया सर्बिया तो, उस तो अगे भी ईजी हैगा, कोई एड्डी दिक्कत नहीं होंगी, बट गल है कि एक सही तरीके आना। तो उस बाद पता ही है पंजाबी अपने एजेंट कि करते हैं की कुछ नहीं करते, गाइडेंस जी गलत प्रोवाइड की जाती है, सारी गल ही इतने है उन्होंने, आप तो कुछ पता नहीं है जी। ठीक है, साढ़े पता की है, देखो अपने पाकिस्तान का तो चलो मैं इन्ना नहीं पता, पंजाब के इंडिया पंजाब इदा होंगे है कि एजेंट आप तो कभी सर्बिया टप्पे नहीं, ठीक है, इंडिया तो बाहर ही नहीं निकले कदम, बिल्कुल सर जी, ठीक है ना। तो वह की करते हैं दूजे लोगों को इदा मत देनिया शुरू कर देंगे कि तुम इदा चले जाओ उदा चले जाओ ऐ निकल जाओ ऐ निकल जाओ, अगे बंदे खड़े हो गए तो लै जाएंगे तू आपे लै जाएंगे, ठीक है। सो वह गल्ला होंदिया नहीं, सो मतलब झूठ मार मार के बंदे नू लैके आना कोई फायदा नहीं, जिंदगी ना खेडन दी गल है सारी। सानू भी जो असीं भी पाकिस्तान चो निकले सा सानू भी इन्होंने आख्या एजेंटा ने जी तुसीं बे वीआईपी तरीके नाल जाओगे तुहानू खाना मिलेगा तुहानू हर चीज मिलेगी साडे बंदे रिसीव करनगे हर चीज मिलेगी, लेकिन सर जी सिर्फ गल्लां दी हद तक है, पेमेंट एडवांस ले लैंदे ने बाद च ना एजेंट नजर आंदे ने ना कोई असीं मिलिया समान थले, तुसीं सोच नहीं सकते सर जी मैं चार दिन मैं ते मेरे नाल दा रोटी नहीं खाधी गंदे पानी दे विचों पानी पीता, कोई नहीं समझ सकता असी साडे नाल बीती असी समझ सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करांगा कभी भी यह तरीका ना अपनाओ अपनी जान ते ना खेडो, साडे नाल अगर असी मर जांदे साडे मां बाप की जिंदगी उन्हें सारी जिंदगी सानू पालिया असी की उन्हें तो बीतनी है सानू, लेकिन रिस्क फिर भी लेने पैंदे ने, फिर भी अगर जिन्ना हो सके अपनी सेफ्टी दे नाल आने की कोशिश करो ते एजेंटां दीआं गल्लां जो धोखे च ना आओ। सर जी दी मेहरबानी है कि इन्हां दा मैं चैनल सबसक्राइब किया, मैं इन्हां तों वीडियो देखना मैनूं काफ़ी नॉलेज मिलिया, लेकिन फिर आंदे नाल हालात तों मजबूर बंदा फिर कुछ करना पैंदा, फिर उस तरीके नाल फिर बड़ी गाइडेंस मिली बट फिर भी इत्थे तक मैं पहुँच गया हूँ, बाकी शुक्र अल्लाह है कि मैं हूँ पहुँच गया हूँ, मैं जिन्नी मुश्किल कटिया ने मेरी हूँ यही कोशिश है कि जिन्नियां मैं तकलीफा कटिया ने मैं हूँ उन्ना करा। तो अपने सारे दोस्तों भरावों को यही कहूँगा कि आ गलत फैसला ना करो अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी ना खेलो, ये बहुत कुत्ता रास्ता बहुत बुरा रास्ता है, ये इंसान का नहीं पता कितने जान मुक जानी। चलो ठीक है जी, मैनू बड़ा वधिया लग्या, तुसीं चंगे रिव्यू भी दिते ते अपने सारी गलबात जिहड़ी तुसीं सारयां नाल शेयर कीती ते बड़ा वधिया लग्या। सो तुहाडे नाल भी एक यही रिक्वेस्ट है जी कि तुसीं भी इहो जिहा रस्ता ना अपनाया करो, ठीक है जी, हाथ जोड़ के बेनती है, तो वाकई सर्दियों के ना ही आया करो, ठीक है जी। दो रिसेंटली अपने पंजाबी भरा अमृतसर के उन्होंने डैथ हो गई, सो 12 माइग्रेंट तुहाडे नाल मैं लास्ट वीडियो के भी शेयर किए थे, उन्होंने भी डैथ हो गई तुर्की बॉडर से, तो ठंड बहुत करके है, ठीक है जी, आना आओ जी सद के आओ, बट सही तरीके नाल आ जाओ, जो डंकी लानी है तो सही समय पर आओ, ठीक है जी, गर्मिया गुरमिया के आ जाया करो तो सही रहोगे। चलो जे वीडियो चंगी लगी तो वीडियो लाइक कर देना शेयर कर देना तो सारे तक पहुँचा देना, चैनल सबसक्राइब जरूर कर लीजिए, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।